हमारे किसान भाई है, उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है, ठीक है जी। एंट्री के माध्यम से, एंट्री का नाम लेके अवैध वसूली हो रही है, ठीक है भाई साहब। और यहाँ पे जो भी हमारी मांगे थी, 8 हमने लिखित रूप में मैडम को सौंपी है। मैडम ने 10 दिन का समय लिया है, 10 दिन के बाद एक विशाल यहाँ पर एक आक्रोश जो हमारी महापंचायत होगी उसमें आप गिनती नहीं कर पाएंगे। मैडम उठ के नहीं गई। मैडम का क्या था कि हमारी जो मेन था वो चौहान साहब के खिलाफ था। मैडम के LIU वालों ने कहा कि चौहान साहब से हमारी संपर्क हो गया है, आप ये LIU वालों ने हमें रिपोर्ट दी थी कि चौहान साहब आज मिलेंगे, लेकिन आज वो हमें फेस नहीं कर पाए सामने से। मैडम ने हमें इसे हमारे मांग पत्र की जो भी हमारी मांग है 8 सूत्रीय है उसके 10 दिन का समय लिया है। जो भी मैडम के पार्ट पे होगा मैडम उसे सारे को निपटाने की कोशिश करेंगे। हाँ, भारतीय किसान यूनियन तोमर ने हमें अपनी कुछ 8 बिंदुओं का ज्ञापन दिया है, उस पर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी उसके अंदर एक्शन लिया जाना होगा वो लिया जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है उसका अगर हमारे उसमें बनता है कि यहाँ से कुछ किया गया है उनके खिलाफ तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अवैध चालान, कोई भी चालान अवैध चालान नहीं होता। अगर उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, उसके पेपर पूरे नहीं है या ओवरलोड है, उसी ऑफेंस में चालान होता है। चालान ऑनलाइन होता है, उसके अंदर सारे ऑप्शंस होते हैं, तो अवैध चालान नहीं होता। लेकिन अगर किसी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो चालान होगा। जो उनका धरना प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक नहीं था, उनके द्वारा हमारे अधिकारी के साथ थोड़ा मिसबिहेव भी किया गया और हमने इसके खिलाफ उनको बोला भी है। अभी जिन अधिकारी के साथ हुआ है उनसे बात की जाएगी और जो भी एक्शन लेना होगा लिया जाएगा। इसमें जानकारी मिली थी तो एहतियातन पुलिस बल भेजा गया था मौके पर ताकि वहाँ व्यवस्था कायम रहे, लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बारे में जांच कराई जाएगी और अगर कोई तहरीर किसी पक्ष के द्वारा दी जाती है तो उसकी जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सभी संबंधित के विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। अभी तो वहाँ शांति व्यवस्था कायम है और मौके पर इसीलिए अभी पुलिस बल बना हुआ है।